नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 दिसंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 65% आरक्षण करने पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। के पाठक ने भागलपुर में स्कूलों का किया निरीक्षण। बिहार के 18 जिलों में शुरू होगा विशेष भूमि सर्वेक्षण। मनोज बाजपेयी की फिल्म जोड़म को बिना किसी कट के UA सर्टिफिकेट मिला। भारत ने 3 जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज किया अपने नाम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय वायुसेना में निकली 317 पदों पर भर्ती। भारतीय वायुसेना सामान्य प्रवेश परीक्षा के वर्ष 2024 के पहले संस्करण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। IFA के द्वारा AFCAT 01/2024 के लिए पंजीकरण बीते दिन यानी कि 1 दिसंबर से स्वीकार करना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह भारतीय वायुसेना के AFCAT पोर्टल AFCAT.CDAC.IN पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2023 की रात 11 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास फ्लाइंग शाखा और ग्राउंड ड्यूटी शाखा के लिए भौतिकी और गणित विषय से 12वीं पास और मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। वहीं ग्राउंड ड्यूटी तकनीकी के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किया होना चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। 65% आरक्षण करने पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा बिहार सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों व अन्य के लिए आरक्षण कोटा को बढ़ाकर 50% से 65% करने के मामले में गौरव कुमार व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट की ओर से इस आरक्षण कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया, लेकिन साथ ही कोर्ट के द्वारा इस पर बिहार सरकार से जवाब भी मांगा गया है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा जवाब देने की अंतिम तारीख कोर्ट की ओर से 12 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई वर्ष 2024 में होगी। मालूम हो कि याचिकाकर्ता के द्वारा दायर किए गए याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा कोटा बढ़ोतरी कानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित दिशा निर्देश का उल्लंघन किया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे राजीव कुमार के बारे में। राजीव कुमार का जन्म आज ही के दिन 1976 में हुआ था। यह एक भारतीय पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं जो बिहार और झारखंड के लिए खेले। वह वर्तमान में झारखंड के मुख्य कोच और चेन्नई सुपर किंग्स के क्षेत्र रक्षण कोच के रूप में काम करते हैं। राजीव ने प्रथम श्रेणी करियर में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भी कप्तानी की। दाएं हाथ के बल्लेबाज राजीव कुमार 1994, 95 और 2003-04 सीजन के बीच बिहार के लिए, साथ ही 2004 और 5 और 2010 और 11 के बीच झारखंड के लिए खेले। उन्होंने 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ए के लिए भी खेला। वह 1999 में हॉलैंड का दौरा करने वाली भारत ए टीम का भी हिस्सा थे। के पाठक ने भागलपुर में स्कूलों का किया निरीक्षण। इन दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा राज्य के कई स्कूलों का भ्रमण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन के पाठक भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि के पाठक के द्वारा बीते दिन सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का जायजा लिया गया, जहां उन्होंने रसोई का हाल भी देखा। वह इस दौरान के पाठक के साथ भागलपुर के DM सुब्रत सेन भी मौजूद रहे। मालूम हो कि निरीक्षण के दौरान के पाठक के द्वारा कई जानकारी भी ली गई और साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि जैसे ही के पाठक के आने की सूचना मिली, जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी समेत सभी स्कूल भी अलर्ट मोड में आ गए। गौरतलब है कि जब से के पाठक के द्वारा पद संभाला गया है, तब से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और शिक्षकों व कर्मियों की उपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। बिहार के 18 जिलों में शुरू होगा विशेष भूमि सर्वेक्षण। अगले साल जनवरी महीने से राज्य के बचे हुए 18 जिलों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के अनुसार सर्वे कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बता दें कि विभाग को 10,000 से अधिक नए सर्वे कर्मी दिसंबर में मिल जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद इन सर्वे कर्मियों को विशेष सर्वे वाले जिलों में तैनात कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम चरण के तहत 20 जिलों में
में भूमि सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरे चरण के तहत जिन 18 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम अगले वर्ष जनवरी महीने में शुरू किया जाएगा, उनमें बिहार की राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज एवं नवादा जिला के नाम शामिल हैं। टाइगर रिजर्व वाल्मीकि में 100 कमरों वाले लेविस रिजॉर्ट का हो रहा निर्माण। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि में पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 100 कमरों वाला एक लेविस रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा। ऐसे में इस रिजॉर्ट के शुरू होने के साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा निजी निवेशकों को यहां निवेश करने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। बता दें कि यह रिजॉर्ट पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में स्थित है, जो जंगल के बीच में बना होने के कारण प्राकृतिक सुंदरता और शांति से भरपूर है। यह रिजॉर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। वहीं इसके अलावा वाल्मीकि नगर में 102 कमरों वाले अतिथि गृह और 500 सीट की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिनेश राय के द्वारा इसका निरीक्षण भी किया गया। बस की खरीद पर अनुदान पाने के लिए करें ये काम। अगर आप भी बस खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा प्रखंडों में सुगम परिवहन मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बस की खरीद के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। बता दें कि इस योजना का लाभ चयनित हुए अभ्यर्थियों को ही दिया जाता है। ऐसे में इनके चयन के लिए प्रखंडवार एवं कोटिवार वरीयता सूची तैयार की जाती है, जिसमें जाति के बाद वरीयता का आधार मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता होती है। वहीं समान अंक वाले आवेदकों को उम्र के आधार पर वरीयता दी जाती है। मालूम हो कि इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड से 7 लाभुकों का चयन किया जाता है। वहीं अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा और इसके साथ ही आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति देनी होगी। वहीं जाँच पड़ताल के बाद ही लाभुकों के खाते में अनुदान की राशि भेजी जाएगी। डीएलएड नामांकन की दूसरी सूची आज होगी जारी। आज यानी कि 2 दिसंबर को डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के आधार पर डीएलएड कॉलेज में दाखिला लेने के लिए दूसरी चयन सूची जारी की जाएगी। बता दें कि सूची को बिहार बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ऐसे में जिन छात्रों का नाम चयन सूची में होगा और उन्हें जिस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए नाम आवंटित किए जाएंगे वह उसी कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। वहीं इसके अलावा वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम सूची के आधार पर आवंटित डीएलएड कॉलेज में नामांकन ले लिया लेकिन अभी तक साइन अप नहीं किया है तो वे 4 से 6 दिसंबर तक ले सकते हैं। बता दें कि द्वितीय चयन सूची के शामिल ऐसे आवेदक जिन्हें प्रथम सूची में कोई संस्थान आवंटित नहीं हुआ था वे 4 से 6 दिसंबर तक आवंटित संस्थान में 3000 सुरक्षा राशि जमा कर स्लाइड अप कर सकते हैं। मालूम हो कि अगर द्वितीय सूची में नाम आने के बाद अगर किसी आवेदक के द्वारा दाखिला नहीं लिया जाता है तो तृतीय सूची में उनका नाम हटा दिया जाएगा। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे सभ्यता द्वार के बारे में। सभ्यता द्वार भारतीय राज्य बिहार में पटना शहर में गंगा नदी के तट पर स्थित और बलुआ पत्थर से बना एक विजय स्मारक है। सभ्यता द्वार को बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की परंपराओं और संस्कृति की प्राचीन महिमा दिखाने के उद्देश्य से मौर्य शैली वास्तुकला के साथ बनाया गया है। सभ्यता द्वार का निर्माण राजस्थान के लाल सफेद बलुआ पत्थर से किया गया। भवन निर्माण विभाग ने सभ्यता द्वार के आसपास काफी खूबसूरत उद्यान भी विकसित किया है। यह उद्यान भी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का इंडिया गेट और फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा की श्रृंखला में ही यह सभ्यता द्वार भी है। पटना के लैंडमार्क सभ्यता द्वार पर बिहार से जुड़े 4 महापुरुषों के संदेशों को लिखा गया है, जिनमें बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, सम्राट अशोक और मेगस्थनीस शामिल हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 मई 2018 को गांधी मैदान के पास स्थित सम्राट अशोक सम्मेलन केंद्र परिसर में सभ्यता द्वार का लोकार्पण किया। मनोज बाजपेयी की फिल्म जोड़म को बिना किसी कट के यूए सर्टिफिकेट मिला। बिहार के लाल और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मनोज बाजपेयी की फिल्म जोड़म को बिना किसी कट के यूए सर्टिफिकेट दिया गया है। बता दें कि यह फिल्म जी स्टूडियोज और मुखर्जी फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म है। मालूम हो कि इस फिल्म को कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में ख्याति प्राप्त हुई है। वहीं इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा मुख्य भूमिका में जिसान अयूब खान और स्मिता तांबे भी शामिल है। वहीं फिल्म की इस उपलब्धि पर निर्देशक के द्वारा कहा गया कि हम वास्तव में खुश हैं कि जोड़म जैसी फिल्म को CBFC द्वारा यूए प्रमाणन दिया गया है। इसका मतलब है कि देश भर के लोग अपने परिवार के साथ फिल्म देख सकते हैं। हमारे लिए जोड़म यह एक ऐसी फिल्म है जो महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। पूरे देश को इसे देखने की जरूरत है। CBFC ने हमें सख्त बनाया है। आश्चर्य की बात है कि कोई भी दृश्य नहीं काटा गया है। यह इस तरह की फिल्म के लिए लगभग अभूतपूर्व है और इसने हमें बहुत आशा से भर दिया है। बता दें कि यह फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।
बिहार में दिव्यांग जनों के लिए लगाया जाएगा नियोजन मेला। बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों में नियोजन मेला का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में अब श्रम संसाधन विभाग के द्वारा राज्य में दिव्यांग जनों को लेकर भी साल में 3 बार नियोजन मेला लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में विभाग की ओर से इसको लेकर राज्य के सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मालूम हो कि सामान्य नियोजन मेला में भी दिव्यांग लोगों को भाग लेने की पूरी छूट होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके लिए विभाग की ओर से अलग से नियोजन मेला लगाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस नियोजन मेला की शुरुआत अगले वर्ष जनवरी महीने से होगी। वहीं सबके अलावा विभाग की ओर से राज्य के हरेक जिले में एक एक मेगा स्किल सेंटर शुरू करने का भी योजना बनाया गया है, जिसमें बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी स्तर के अधिकारियों के लिए गाड़ी खरीद की अधिकतम कीमत की तय। बिहार सरकार की ओर से राज्य के सभी स्तर के अधिकारियों के लिए गाड़ी खरीद की अधिकतम कीमत तय कर जानकारी दे दी गई है, जिसके तहत सरकार के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व उनके समकक्ष स्तर के अधिकारी के द्वारा अधिकतम 25 लाख रुपए तक की गाड़ी चलाई जा सकती है। वहीं इसके अलावा पुलिस अधीक्षक 4 लाख रुपए तक की गाड़ी चलाएंगे। एसपी का वाहन 16 लाख का होगा और डीएम का 20 लाख रुपए का गाड़ी होगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अधिकतम 30 लाख रुपए तक के वाहन चलाएंगे। जिला जज और जिलाधिकारी के समकक्ष स्तर के अधिकारी अधिकतम 20 लाख रुपए और अन्य अधिकारी जिनके लिए वाहन अनुमान्य है वो 14 लाख रुपए तक की गाड़ी चला सकते हैं। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए इन मूल्यों में ऑन रोड कीमत के साथ वाहनों के साथ सज्जा पर होने वाला खर्च भी सम्मिलित है। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूपी बिहार के इन शहरों के लिए चलेगी वंदे भारत। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को एक और वंदे भारत मिलने वाला है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिहार की राजधानी पटना के बीच एक वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। मालूम हो कि यह ट्रेन लखनऊ से सुल्तानपुर और वाराणसी होते हुए पटना पहुंचेगी। इसको लेकर उत्तर रेलवे के लखनऊ और मुरादाबाद मंडल के द्वारा रूट सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि इस वंदे भारत ट्रेन का परिचालन कब से शुरू किया जाएगा। बता दें कि रेलवे बोर्ड द्वारा लखनऊ पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए रेक निर्माण का काम रेल कोच फैक्ट्री को आवंटित किया गया है। एसएमएस को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। इस ट्रेन के परिचालन से यूपी और बिहार के लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा। बिहार के तापमान में आई कमी। बिहार में मौसम ने रंग बदल लिया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर बना एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर एक डिप्रेशन में बदलने के आसार है। इसके 3 दिसंबर के आसपास और तीव्र होने और चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ जिलों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। पटना मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में धुंध छाए रहने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के एक या दो स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रह सकता है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बैंकों में लौटे 97% से ज्यादा 2000 के नोट। बीते दिन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बैंकिंग सिस्टम में 2000 रुपए के 97.26% नोट वापस आ गए हैं। आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि 2000 रुपए के नोट जो इस साल 19 मई तक प्रचलन में थे वैध मुद्रा बने रहेंगे। उन्होंने केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि 2000 रुपए के लगभग 2.7% नोट बैंक शाखाओं में जमा करने या बदलने की समय सीमा समाप्त होने के लगभग 2 महीने बाद भी प्रचलन में है। बता दें कि जनता के लिए बैंकों में उच्च मूल्य वाले 2000 रुपए के नोट बदलने या जमा करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर तक थी। आरबीआई के द्वारा जारी किए गए एक विज्ञप्ति से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि 30 नवंबर 2023 को कारोबार बंद होने के बाद प्रचलन में 2000 रुपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य घटकर 9760 रुपए करोड़ हो गया है। वहीं जब 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी उस दौरान इसकी कुल कीमत 3.56 लाख करोड़ रुपए थी। पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव की हुई शुरुआत।
हर साल की तरह इस साल भी बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में बीते दिन से दो दिवसीय मखाना महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार के कृषि सलाहकार डॉक्टर मंगला राय और विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मालूम हो कि इस दो दिवसीय समारोह में बिहार के विभिन्न जिलों के किसान शामिल हुए हैं। इस दौरान किसानों के द्वारा मखाना के कई स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। वहीं सबके अलावा डेमो में एक तालाब में मछली उत्पादन के साथ साथ मखाना और पानी फल सिंघाड़ा का भी उत्पादन हो सके उस पर भी फोकस किया गया है। इस दौरान कृषि सचिव संजय अग्रवाल के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि मखाना को किस तरह से बढ़ावा मिल सके और किस तरह से किसानों की आमदनी बढ़ सके इसके लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। उन्होंने कहा कि मखाना के लिए रिसर्च एक्सलेंस सेंटर पूर्णिया के भोला पासवान शास्त्री के साथ सरकार काम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मखाना की खेती कर सके। बिहार की राजधानी में 17 जगहों पर तैयार किया गया अस्थायी रैन बसेरा। ठंड में लोगों को रोड पर न रहना पड़े और उन्हें रहने के लिए कोई आश्रम मिल सके इसके लिए बिहार की राजधानी पटना में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के पटना नगर निगम के द्वारा अस्थायी रैन बसेरा तैयार किया गया है। बता दें कि इन अस्थायी रैन बसेरा का निर्माण पटना के कुल 17 जगहों पर किया गया है। ऐसे में अब यह रैन बसेरा ठंड में लोगों का सहारा बनेगा। मालूम हो कि तैयार किए गए रैन बसेरा में से 4 रैन बसेरा ऐसे हैं जहां महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बता दें कि रैन बसेरा में सुरक्षा, स्वच्छ और निशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सभी रैन बसेरों में कारपेट, चौकी, गद्दा, चादर, तकिया, कंबल, ट्रंक, पीने का पानी, रजिस्टर, बोतल, कुर्सी, आईना, सीसीटीवी कैमरा एवं अग्निशामक यंत्र की सुविधा होती है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी एवं शिकायत के लिए निःशुल्क नंबर 155304 पर संपर्क किया जा सकता है। मंत्री रत्नेश सदा की अदावत पर अशोक चौधरी का आया रिएक्शन। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित भीम संसद कार्यक्रम के बाद मंत्री रत्नेश सदा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच नाराजगी की बात सामने आने लगी है। वहीं अब इस पर मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि रत्नेश सदा के द्वारा बहुत मेहनत किया गया है, उन्होंने भीम संसद को सफल बनाया है, उन्हें उनके समाज के लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि काम कीजिए तो वोट मिलेगा, चंदन का टीका लगाने और रुद्राक्ष लेने से वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी हारेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भीम संसद कार्यक्रम के दौरान जेडीयू कोटे के मंत्री रत्नेश सदा जब भाषण दे रहे थे तो उसी दौरान मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा उन्हें बैठने के लिए कहा गया और रत्नेश सदा को बैठना पड़ा, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर जेडीयू में बवाल मच गया है। झारखंड के गढ़वा और बिहार के रोहतास में मुकेश सहनी की ललकार। बीते दिन विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर के दौरे के क्रम में तीसरे दिन झारखंड के गढ़वा और बिहार के रोहतास जिला पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार और झारखंड पहले एक ही था, निषाद किसी भी राज्य के हो, मेरे लिए निषाद कोई जाति नहीं, मेरा परिवार है। उन्होंने कहा कि आज अगर हम बेटे बेटियों की शादी करनी होगी तो इसी समाज के लड़के लड़की आएंगे। बिहार, यूपी और झारखंड के निषाद को आरक्षण का हक है, जब दिल्ली और पश्चिम बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल सकता है तो यहाँ क्यों नहीं, जब देश के पीएम एक है, संविधान एक है। आज राजा के घर राजा पैदा नहीं होता, बाबा साहिब ने लोकतंत्र में ऐसी शक्ति दी है। उन्होंने कहा कि जिसके पास ज्यादा वोट होगा वही राजा बनेगा। 6 दिसंबर को पूरे प्रदेश में जेडीयू करेगी संविधान बचाओ मार्च का आयोजन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर 6 दिसंबर को जेडीयू की ओर से पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ मार्च का आयोजन किया जाने वाला है। बता दें कि यह आयोजन जेडीयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की देखरेख में किया जाएगा। इस बारे में जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारी व विधान पार्षद रविंद्र सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि संविधान बचाओ मार्च का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में भी किया जाएगा, जिसमें जेडीयू प्रदेश कार्यालय व जेडीयू के नेता व कार्यकर्ता पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे और फिर इसके बाद प्रदेश कार्यालय से मार्च निकलेगा और हाईकोर्ट के समीप बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करेगा। कुछ देर बाद पार्टी के लोग वहां होंगे और फिर मार्च वहीं खत्म हो जाएगा। इस मार्च का आयोजन पूरे प्रदेश भर में सुबह 11 बजे से आरंभ होगा, जिसमें भाजपा द्वारा संविधान को बदलने के नारे के साथ लोग आगे बढ़ेंगे। इस मार्च में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भी सहभागिता निभाई जाएगी। भारत ने 3 जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज किया अपने नाम। बीते दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत ने जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम कर लिया। बता दें कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से मात दिया। वहीं इससे पहले भारत के द्वारा पहला और दूसरा मैच जीता जा चुका है। ऐसे में इस जीत के साथ ही भारत ने T20 सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त ले ली है।
टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम के द्वारा 9 विकेट पर 174 रन बनाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा 46 रन रिंकू सिंह ने बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 37 और जितेश शर्मा ने 35 रन का योगदान दिया। ऋतुराज गायकवाड 32 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा अक्षर पटेल ने 3 और दीपक चाहर ने 2 विकेट लिए। रवि बिश्नोई और आवेश खान को 1-1 विकेट मिला। वही लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम के द्वारा 7 विकेट पर 154 रन ही बना सकी और मैच के साथ सीरीज भी हार गई। वहीं अब इस सीरीज का 5वां और आखिरी मैच 3 दिसंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। पौंडीचेरी में 1942 में श्री अरविंदो आश्रम स्कूल की स्थापना हुई, जिसे बाद में श्री अरविंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना गया। जॉर्ज पंचम के और क्वीन मैरी 1911 में भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा रानी बने। उनके बंबई आगमन की याद में ही गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। भारत में 1999 में बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को मंजूरी मिली। पंजाब नेशनल बैंक ने 2008 में FCNR ब्याज दरों में कटौती की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष NG चंदावरकर का जन्म 1855 में हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जनसेवक तथा संत बाबा राघव दास का जन्म 1886 में हुआ। हिंदी के ख्याति प्राप्त साहित्यकार और विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जन्म 1901 में हुआ। दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक बी नागी रेड्डी का जन्म 1912 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का जन्म 1937 में हुआ। प्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखिका अजला नागर का जन्म 1939 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक शिवा अयोदरी का जन्म 1963 में हुआ। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री गुरुदास बनर्जी का निधन 1918 में हुआ। हिंदी सिनेमा के चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली का निधन 2012 में हुआ। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता देवेन वर्मा का निधन 2014 में हुआ। भारतीय राजनेता एवं महाराष्ट्र के 8वें मुख्यमंत्री AR अंतुले का निधन 2014 में हुआ। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और PCC वर्किंग कमेटी के 30 वर्षों तक सदस्य मुरली चन्ना रेड्डी का निधन 1996 में हुआ। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वायरल क्रम में आज हम बात करेंगे देश के 11 जिलों में तबाही के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे देश के 11 जिलों में तबाही के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक वीडियो के थंबनेल में दावा किया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण देश के 11 जिलों में तबाही आ गई है। मौसम विभाग द्वारा भारत के 19 राज्यों में भूकंप की आशंका जताई गई है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा पूर्णतः फर्जी है। मौसम विभाग द्वारा ऐसा कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है। 1 दिसंबर को शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। बीते दिन यानी कि 1 दिसंबर को कारोबार के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। बता दें कि बीते दिन सेंसेक्स में जहां 500 अंकों की उछाल आई, वहीं निफ्टी 20,250 के पार पहुंच गई। कारोबार के अंत में BSE सेंसेक्स 492.75 अंक यानी 0.74% की तेजी से 67,481.19 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 134.75 अंक या 0.67% के साथ 20,267.90 पर बंद हुआ। बता दें कि बीते दिन जो 5 शेयर सबसे ज्यादा बढ़त के साथ बंद हुए, उनमें ITC, NTPC, एक्सिस बैंक, लर्सन एंड टुब्रो और बजाज फाइनेंस के शेयर शामिल है। वहीं जो 5 शेयर बीते दिन सबसे ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए, उनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक और टेक महिंद्रा के नाम शामिल है। फनीएस्ट मीम के लिए गूगल लाया अलग डोमेन। गूगल हमेशा से यूजर्स इंट्रिक चीजें लॉन्च करता रहता है। अब कंपनी ने फनीएस्ट मीम के लिए अलग से डोमेन लॉन्च कर दिया है, जहां आप अपनी वेबसाइट को फनीएस्ट नाम रजिस्टर करा सकते हैं। आपको बता दें कि गूगल ने यह कदम मीम के प्रति लोगों की बढ़ती दीवानगी को देखकर उठाया है। अब से आपको गूगल की मीम वेबसाइट के लास्ट में .com की जगह .meme लिखा हुआ दिखाई दिया करेगा। ये डोमेन भी ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे .com या .in काम करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि .meme डोमेन के नाम पर जो वेबसाइट रजिस्टर होगी, उनमें आपको सारा कंटेंट मीम का मिलेगा। साथ ही आपको इसके बाद से मीम ढूंढने के लिए ज्यादा सर्च करने की एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होगी। आपको बता दें कि अभी तक मीम के लिए कोई डोमेन नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेटेस्ट मीम के लिए नो योर मीम सबसे बड़े नामों में से एक है। तो फैशन और लाइफस्टाइल के लिए 10 PM कर्फ्यू सबसे सटीक है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कहां जाएंगे? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूएई। अगला सवाल, हाल ही में किसने 6 ESKI नाम से असिस्टेंट पेश किया है? ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी जेट एयरवेज, ऑप्शन सी इंडिगो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडिगो। अगला सवाल, हाल ही में 28 नवंबर को क्या मनाया गया है? ऑप्शन ए पृथ्वी दिवस, ऑप्शन बी जल दिवस, ऑप्शन सी पर्यावरण दिवस, ऑप्शन डी लाल ग्रह दिवस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाल ग्रह दिवस। अगला सवाल, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित थे? ऑप्शन ए पटना और गया, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर और वैशाली, ऑप्शन सी भागलपुर और मुंगेर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भागलपुर और मुंगेर। अगला सवाल, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी वज्जी, ऑप्शन डी अश्मक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मगध। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रामचंद्र सिंह, विवेक मिश्रा, गोनर शर्मा, सभ्या झा, मोहम्मद सकीर हुसैन, नन्नो गोलू कुमार, राजकिशोर महतो, प्रभात कुमार, अखिलेश यादव, सदुल्लाह पलवी, कुमार कौशल सिंह, धर्मेंद्र कुमार, मोहम्मद असलम, रविशंकर, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मुकाबले में भारत की सीरीज जीत पर आप क्या कहेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो